Here is the question. In the electrolysis of aqueous NaCl, what volume of chlorine is produced in the time that it takes to liberate 5 liter of hydrogen gas? Assume that both gases are measured at STP. Okay. आपको सिंपल से ये बताना है कि 5 लीटर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व होने में जितना टाइम लगा है उसी पर्टिकुलर टाइम में क्लोरीन गैस कितनी इवॉल्व होगी. ओके तो देखो बेटा यहां पर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो. NaCl की बात करता हूं, NaCl को जब वाटर में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आप, मतलब यहां पर आप करंट पास करोगे तो आपको मिलेगा NaOH along with hydrogen gas and chlorine gas. इसे आप क्या कहते हो, क्लोर एल्कली मेथड कहते हो आपका. ठीक है, अब देखो यहां पर मैं थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं. कितना हाइड्रोजन है, ये हो जाएगी आपके रिएक्शन बैलेंस. चेक कर लीजिए यहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है. चार हाइड्रोजन हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, Na2 Cl2 Cl2, कंप्लीट रिएक्शन क्या आपकी अब बैलेंस है. चलिए अब समझिए क्या दिख रहा है, रिएक्शन की शक्ल क्या कह रही है. मेरी रिएक्शन की शक्ल ये कह रही है कि जब आपने 2 मोल NaCl लिया तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्या मिला, क्लोरीन मिला. यहां पर मैं देखो गैसेस टर्म जब होती है ना, गैसेस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं कि गैस के गैस को हम वॉल्यूम में मेजर करते हो. ठीक है, अब देखो यहां पर शक्ल क्या कह रही है कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस हुआ है जब इलेक्ट्रोलाइसिस आपने NaCl कराया, तो 1 वॉल्यूम अगर आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है तो 1 वॉल्यूम ही क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है. हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हुआ है उतना ही वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हुआ है. तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 5 लीटर अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पर, तो देखो रिएक्शन की शक्ल देख रही है कि 1 मोल से 1 मोल, जब 1 मोल हाइड्रोजन था तब 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूं 1 मोल जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ तो 1 वॉल्यूम क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुआ. तो मैं ये भी बोल सकता हूं अगर 5 वॉल्यूम मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मींस 5 वॉल्यूम मेरा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है. इट मींस अगर ये 5 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पी उसी टाइम में कितना प्रोड्यूस होगा, 5 लीटर ही प्रोड्यूस होगा. तो आपका डायरेक्ट आंसर तो यहां से मिल सकता है कि ये कितना मिलेगा, 5 लीटर मिलेगा. लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल टर्म में जाना है, तो आप क्या करो इनके इक्विवेलेंट्स इक्वल कर लो. ठीक है, इनके इक्विवेलेंट्स क्या करो आप, इक्वल कर लो. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या करता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन कर रहा हूं मैं. ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन कर रहा हूं. ठीक है, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हो, हाइड्रोजन का अगर इक्विवेलेंट्स मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं, उसके जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ गया आपके पास, एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ गया इसका, एन फैक्टर. क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स आपको हाइड्रोजन के नहीं पता है. ठीक है, तो आप क्या करो, गिवन मास अपॉन सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, क्या करो, हमारे पास जैसे मोल का इसमें फॉर्मूला है कि जब भी गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर कर लेते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे हाइड्रोजन के लिए, इसका गिवन वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर इनटू एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 1. क्यों, क्योंकि देखो कोई भी जैसे 2H+ है, हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होगी, पहले H+ होगा वही तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दी. तो दिख रहा है कि यहां पर किसी भी आयन के ऊपर जो भी इसका चार्ज होता है वही क्या होता है, इसका एन फैक्टर होता है. तो H+ के ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो वही क्या होगा, इसका एन फैक्टर हो गया. ठीक है, ये भी नहीं मानना चाहते तो ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ना, तो एन फैक्टर कितना ले लो आप, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन 2 लोगे तो वो हाइड्रोजन के लिए आएगा और 1 लोगे तो वो H+ आयन के लिए आएगा. ठीक है, मैं यहां पर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैं यहां पर 2 लेके चल रहा हूं, एन फैक्टर कितना लेके चल रहा हूं, 2 लेकर चल रहा हूं. ठीक है, ध्यान से समझना इसको, इसको रिएक्शन को उल्टा पढ़ो, रिएक्शन को अगर उल्टा पढ़ते हो तो H2 से H+ जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है, इट मींस एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किसके लिए, H2 के लिए. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, इसका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इनटू एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन का एन फैक्टर भी इस तरह से आप पढ़ सकते हो कि Cl2 गैस 2Cl- प्रोड्यूस कर रही है, प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, सॉरी Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, 2Cl- बनेगा. तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया. अब इस तरह से कंसीडर कर लेना एन फैक्टर को. ठीक है, नाउ 2 से 2 कैंसिल, 22.4 से 22.4 कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना प्रोड्यूस हुआ बताइए, 5 लीटर. And here is your answer, and check lena option number A is the correct option.